हेलो माय डियर फैमिली। तो अब तक तो भाई आप एनिमल के रंग में रंग ही चुके होंगे, खुद को रणबीर कपूर समझ ही रहे होंगे। सही कहा ना? अरे अरे भाई साहब, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। मूवी ने वाइब ही ऐसी क्रिएट की है कि हर कोई रणबीर कपूर के इस किरदार से बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गया है। वैसे तो इस मूवी को और इस किरदार को हमें बिल्कुल भी आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रणबीर कपूर के इस किरदार से हम दिल से जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं खुद को इस किरदार जैसा फील करवाना चाहते हैं। मतलब अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जब देखने जाओ तो फिल्म पूरी होने के बाद ऑडियंस से बात करने की कोशिश करना। मतलब अगर आपके दोस्तों के साथ जा रहे हो तो उनका वॉक टॉक ऑब्जर्व करना, और अगर कर पाओ तो थोड़ा सा छेड़ के देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो चलो एनिमल के इस किरदार को थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने इस किरदार को ऐसा तो कैसा बनाया है, मतलब कि उसकी कौन सी गुड क्वालिटीज है, कौन सी बैड क्वालिटीज है जिसकी वजह से हर कोई इस किरदार को लेकर पगलाया हुआ है। लेकिन भाई, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर्स होंगे तभी मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सीन्स को उठा के बात करूंगा तो स्पॉइलर अलर्ट है भाई। आपकी मर्जी, आप वीडियो को यहां से कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर यहीं तक रहना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किरदार मैनहुड की सुपीरियर क्वालिटीज को शो करता है, मतलब कि एक मर्द को मेंटली और फिजिकली कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ये दिखाता है, जिसकी वजह से ये किरदार हम मेल्स को इतना ज्यादा हिट कर जाता है। मतलब कि इसका हर सिचुएशन के अंदर इतना कॉन्फिडेंट रहना, इसका पावर, अपने गोल को लेकर इतना फोकस्ड रहना, यहाँ पर गोल फोकस से मेरा मतलब है कैसे भी करके अपने पापा को सेफ रखना, कोई भी जोया वाले सीन को इसका गोल ना समझे, ओके। तो ये सब क्वालिटीज हम मर्द अपने अंदर चाहते हैं, जैसे कि कभी हम किसी लड़की से बात करें तो कॉन्फिडेंट होकर बात करें, जब कभी अपनी फैमिली पर बात आ जाए तो हम सीना तान के आगे खड़े रहे, बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी डर के। और इस किरदार की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से हमारे अंदर इस किरदार को फॉलो करने की फीलिंग्स आ ही जाती है। वहीं ये कैरेक्टर कई सारी कमियों के साथ प्योर अल्फा मेल कैरेक्टर है, जहां पर खुद को ये अपनी फैमिली का लीडर मानता है, और मूवी के अंदर ये चीज वो सीधे सीधे बोल भी देता है। यहां तक कि जब उसकी बहन की रैगिंग होती है तो भाई साहब बिना देर किए सीधे पहुंच जाते हैं कॉलेज, और कॉलेज में जाकर क्या कांड करते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। साथ में ऐसा भी नहीं है कि ये भाई साहब सिर्फ अपने फादर को लेकर इतने ऑब्सेस्ड है, ये भाई अपनी पूरी फैमिली, इवन पूरे खानदान को लेकर इतने कंसर्न रहते हैं। और ये हमें तब पता चलता है जब बलबीर सिंह की बर्थडे पार्टी में ये अपने कजिन और चचाताओं की बात करता है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। ओवरऑल ये फैमिली वैल्यूज को काफी मानता है और अपनी पूरी फैमिली ट्री को एक साथ रखने की सोच रखता है। और जब ये अपने कजिन्स को बुलाने के लिए अपने पिंड जाता है और जब उसके सारे कजिन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो भाई मतलब जनता भी अंदर से, मतलब पूरा अंदर से फील करने लगती है कि अभी आ जाओ भाई, जिसको भी भिड़ना है एक एक करके आओ, देख लेंगे सबको। तो इसकी ये सारी क्वालिटीज जो है वो मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है। वही नो डाउट ये सबके ऊपर अपना डोमिनेंस चाहता है लाइक एवरी मैन, पर इसकी ये सारी गुड क्वालिटीज बुरी तब बन जाती है जब ये एक इंसान एक मैन होने की सारी हदें पार कर देता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज के सॉल्यूशन के लिए वायलेंस करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को ठोकना ही पड़ेगा। अल्टरनेटिव तरीके भी बहुत सारे हैं जिससे सॉल्यूशन निकल सकता है, और यही तौर तरीके हैं जो जानवर को इंसान बनाते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है इसलिए इसको एनिमल कहा गया है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि ये किरदार कोई तुक्का नहीं है, बहुत ही डिटेलिंग के साथ बारीकी से इसको लिखा गया है कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, कैसे डिसीजंस लेता है। ऐसा नहीं है कि सिगरेट मुंह में ठूसो स्टाइल से वॉक कराओ, दो तीन गालियां बुलाओ और जिसको मन करे मारते जाओ, बन गया अपना हीरो। और लास्ट में इस किरदार की एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से ये बंदा सबके दिल को छू गया, आप में से बहुत ही कम लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा, पूरे पिक्चर के अंदर ये बंदा विलन को मारना चाहता है कि कोई है जब मिलेगा तब मैं उसको काट दूंगा, फोड़ दूंगा। लेकिन एंड में, क्लाइमैक्स में जब इसके हाथ में चाकू होता है, उसका दुश्मन यानी कि बॉबी देओल का किरदार उसके सामने होता है, जिसको ढूंढने के लिए इसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतनी भसड़ क्रिएट की, लेकिन एंड मोमेंट पर भी मारने से पहले ये बंदा उसको पूछता है कि देख भाई तू रुक जा, मैं रुकने को तैयार हूं, बोल क्या करना है। और ये क्वालिटीज जनता के दिल को छू जाती है और लोग जाने अनजाने इस किरदार जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन मोरली मैं तो यही कहूंगा कि हमें बिल्कुल भी इस कैरेक्टर की तरह नहीं बनना चाहिए, इसको आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत और हरामी इंसान है। साथ ही रियल मैन और अपने फादर बॉन्ड को दिखाने के चक्कर में किसी रिश्तेदार को ठोक मत देना, नहीं तो सबसे पहले अपने बाप से ही कूटे जाओगे और वायलेंस के चक्कर में सीधे जेल में जाओगे, जिंदगी उधर ही खत्म होगी पूरी। तो मूवी को देखो, मजे करो, भूल जाओ। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।